हेलो गाइस, आज की वीडियो में बात करेंगे आप सभी से। अगर आप सभी इस साल इंटर फाइनल किए हैं या पिछले साल इंटर फाइनल किए हैं, अगर आप सभी सोच रहे हैं कि ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए, काफ़ी दिन से कमेंट आ रहे हैं कि स्टूडेंट की तरफ से इन यूनिवर्सिटी में कब से एडमिशन ली जाएगी, तो इसकी नोटिफिकेशन आ गई है। तो अगर आप सभी बीए बीएससी बीकॉम या जनरल कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप सभी आवेदन कर सकते हैं। तो आवेदन की डेट क्या होगी, पेमेंट क्या लगेंगे और आप सभी किस मेथड से पेमेंट करेंगे और डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे, सारी डिटेल्स बताऊंगा आप सभी को स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में। तो आप सभी शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, तभी आप सभी को समझ में आएगा। अगर आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल पर पहली बार आइएगा तो एक सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। शुरू करते हैं नंबर वन में। आप सभी को ALNMU शॉर्ट नेम से जानते हैं, जो ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी जो दरभंगा में है, उन यूनिवर्सिटी में आप सभी एडमिशन कैसे लेंगे, आप सभी को सेशन क्या होगी। तो सेशन आप सभी को 22 से 25 सेशन होगी, जो इस साल इंटर फाइनल किए हों उन सभी छात्र के लिए। ऑनलाइन कब से आप सभी को आवेदन ली जाएगी, तो जून के लास्ट वीक से आप सभी को आवेदन ली जाएगी। कब तक आवेदन ली जाएगी, तो जुलाई के लास्ट वीक तक आप सभी आवेदन कर सकते हैं, जो नोटिफिकेशन में निकल कर आ रही है। तो यहाँ तक आप सभी समझ होंगे। अब बात करते हैं आप सभी से एप्लीकेशन फी क्या होंगे। अगर आप सभी जनरल ओबीसी के स्टूडेंट होंगे तो 400 रुपया लगेंगे, जो एप्लीकेशन फी आप सभी को रखी गई है। अब बात करते हैं एससी एसटी के स्टूडेंट को कितने लगेंगे, अगर ओमैन भी होंगे तो कितने लगेंगे। तो आप सभी को 400 रुपये लगेंगे इन सभी छात्रों को। तो मानी जाए तो ऑल कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए 400 रुपया रखी गई, जो एप्लीकेशन फी है। एडमिशन फी की बात की जाए तो एडमिशन फी सभी कॉलेज के अलग अलग होती है। मेरिट लिस्ट निकलने के बाद आप सभी को कॉलेज में जाकर एडमिशन लेना होगा, जो सभी कॉलेज का अलग अलग फी होती है। तो फी की बात की जाती है, एडमिशन फी को आप सभी को 1000 से लेकर 1500 के बीच में एडमिशन फी होती है, मतलब 1000 से लेकर 1500 के बीच में एडमिशन फी होती है किसी भी कॉलेज का। तो यहाँ तक आप सभी समझ गए होंगे। अब बात करते हैं पेमेंट कैसे करेंगे। अगर आप सभी क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग या UPI या फोन पे यूज करते हैं या PTM यूज करते हैं, तभी आप सभी आवेदन कर सकते हैं। अगर आप सभी के पास लैपटॉप नहीं है तो आप सभी अपने फोन से भी आवेदन कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप सभी आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ तक आप सभी समझ गए होंगे। अब बात करते हैं इन यूनिवर्सिटी में कितने अनर्स सब्जेक्ट हैं। तो 38 मतलब 38 सब्जेक्ट जो है अनर्स सब्जेक्ट है, इन्हीं में से आप सभी एडमिशन ले सकते हैं। अब बात करते हैं कितनी सीट है आप सभी के लिए एडमिशन लेने के लिए। तो 282794 सीट है, इन्हीं सीट पर आप सभी को एडमिशन ली जाएगी। तो यहाँ तक आप सभी समझ गए होंगे। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट क्या लगेंगे आप सभी को। आप सभी अपना अपना डॉक्यूमेंट तैयार करके जरूर है, तभी आप सभी आवेदन कर सकते हैं। अगर आप सभी के पास ये डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप सभी अपना अपना डॉक्यूमेंट तैयार रख लें, तभी आप सभी आवेदन कर सकते हैं, नहीं तो आप सभी आवेदन नहीं कर सकते हैं इन यूनिवर्सिटी में। तो पहले नंबर में आप सभी को इंटर का मार्कशीट होनी चाहिए, उसके बाद आप सभी को इंटर का ओरिजिनल सर्टिफिकेट होनी चाहिए, उसके बाद आप सभी को कास्ट सर्टिफिकेट होनी चाहिए, जैसे में बोलते हैं जाति जो ब्लॉक लेवल से बनवाई जाती है। अगर आप सभी को करेंट कास्ट सर्टिफिकेट नहीं तो अपने ब्लॉक से जाकर बनवा लें, तभी आप सभी आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद आप सभी को ओबीसी के स्टूडेंट को तो NCL सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है, जैसे में नॉन क्लेमियर सर्टिफिकेट जाकर अपने ब्लॉक से बनवा सकते हैं। उसके बाद आप सभी को स्कूल कॉलेज की तरफ से लिविंग सर्टिफिकेट मिलती है। अगर आप सभी अदर कॉलेज में जाकर एडमिशन लेते हैं तो लिविंग सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ तक आप सभी समझ लो। उसके बाद आप सभी को 2 फोटो होनी चाहिए, उसके साथ में आप सभी को ईमेल ID और मोबाइल नंबर होनी चाहिए, तभी आप सभी आवेदन कर सकते हैं इन यूनिवर्सिटी में। अगर आप सभी को ये अपडेट अच्छी लगी होगी तो आप सभी अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करें, ताकि उनको भी अपडेट इस तरह की मिलती रहेगी। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।